आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है। उनकी स्मृतियां बिहार से भी जुड़ी रही हैं। वे अक्सर कहा करते थे, आप बिहारी तो मैं अटल बिहारी। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर उसे सम्मान दिलाया। उन्होंने सुशील कुमार मोदी को उनके विवाह के दिन सक्रिय राजनीति में आने का ऑफर दिया था। फिल्मों की बात करें तो वाजपेयी जब भी पटना आते थे यहाँ के अशोक सिनेमा हॉल में फिल्में देखा करते थे। वे हेमा मालिनी और दिलीप कुमार के फैन थे। खुद हेमा मालिनी ने वाजपेयी का यह राज खोला था कि उन्होंने हेमा मालिनी की एक फिल्म 25 बार देखी है। अटल बिहारी वाजपेयी का बिहार से गहरा नाता था। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने बिहार के मिथिलांचल की जन भावना को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2003 में मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया। मैथिली को यह सम्मान दिलाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास 23 वर्षों से लंबित पड़ा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब उनका ध्यान इस ओर गया। वाजपेयी ने मिथिलांचल के लिए एक और बड़ा काम किया। सन 1934 के विनाशकारी भूकंप के दौरान मिथिलांचल के दरभंगा मधुबनी और सहरसा सुपौल अलग अलग दो भागों में बंट गए थे। दरभंगा से सहरसा सुपौल जाने के लिए जानकी एक्सप्रेस ट्रेन से रात भर का लंबा सफर करना पड़ा था। वाजपेयी ने दो भागों में बंटे मिथिलांचल के लिए कोसी महासेतु के निर्माण का फैसला लिया। इससे मिथिलांचल का एकीकरण हुआ। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत बनी 4-लेन सड़क के विकास के रास्ते भी खोल दिए गए। बिहार के राजनेताओं से संबंधों की बात करें तो वाजपेयी 13 अप्रैल 1996 को भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद तब के छात्र नेता सुशील कुमार मोदी की शादी में पटना आए थे। सुशील मोदी बताते हैं कि उन्होंने पोस्ट कार्ड भेजकर उन्हें निमंत्रण दिया था और वे आ गए। सुशील मोदी तब वाजपेयी ने उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का औपचारिक ऑफर दिया था। दरअसल वाजपेयी प्रतिभा को भाप लेते थे फिर प्रोत्साहन देते थे। बिहार बीजेपी के नंद किशोर यादव बताते हैं कि वाजपेयी से उनकी मुलाकात पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा के दौरान हुई थी। तब नंद किशोर यादव पटना के डिप्टी मेयर व बीजेपी जिलाध्यक्ष थे। तब वाजपेयी ने उन्हें परिश्रम करने और आगे बढ़ने की नसीहत दी थी। वाजपेयी बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत बक्सर से करते थे। बक्सर से उन्हें बेहद करीबी माने जाने वाले लालमुनि चौबे लोकसभा चुनाव लड़ते थे। बक्सर के बाद ही वे दूसरी जगह चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में अंतिम बार भागलपुर में उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने यह भी बताया कि वाजपेयी को भागलपुर की रेशमी शाल बहुत पसंद थी। वाजपेयी पटना आने पर सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के घर पर रुकना पसंद करते थे। वे गंगा प्रसाद के पुत्र व बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया की शादी के बाद रिसेप्शन समारोह में पटना आए थे। और अंत में वाजपेयी के बारे में एक बात और जान लीजिए। वे पटना आने पर अशोक सिनेमा हॉल के मालिक बउआ जी से उनका मधुर संबंध रहा। वाजपेयी बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी के बड़े फैन थे। खुद हेमा मालिनी ने एक कार्यक्रम में बताया था कि वाजपेयी ने उनकी 1972 में रिलीज फिल्म सीता गीता 25 बार देखी थी। बॉलीवुड अभिनेताओं में वाजपेयी को दिलीप कुमार बेहद पसंद थे। और आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।